हाय एवरीवन दिस इज वेर आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है एक रेयर क्लाउडेड लेपर्ड पे जिसको नागालैंड की माउंटेन्स पे रिकॉर्ड हाइट पे साइट किया गया है देखा गया है इससे पहले इतनी ज्यादा हाइट पे इसको नहीं देखा गया था इसके बारे में हम जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अब देखिए एक रिसर्चर्स की टीम ने एक फोटोग्राफिक एविडेंस उनको मिला क्लाउडेड लेपिड का कितनी हाइट पे थर्टी सेवन हंड्रेड मीटर्स और ये वो फॉरेस्ट है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे नागालैंड में कम्युनिटी ओन्ड Uh, ये जो आपके फॉरेस्ट हैं वो हैं कम्युनिटी ओन्ड है और वहाँ से ये रिपोर्ट आई है कि इस एनिमल को इतनी हाइट पे इससे पहले वर्ल्ड में नहीं देखा गया तो प्रिंट मीडिया में भी आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी और ये अभी तक का रिपोर्ट किया गया सबसे ऊंचा ऑल्टीट्यूड है हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है जहाँ पर ये वाइल्ड कैट लिपेड इज़ ऑब्वियसली अ वाइल्ड कैट वाइल्ड कैट देखने को मिली है अब ये जो फाइंडिंग्स हैं इनको विंटर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इशू में कैट न्यूज में इसको पब्लिश किया गया आई की स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा कैट स्पेशलिस्ट ग्रुप बाइनवेल न्यूज़लेटर में ये चीज हमने पढ़ी अब इस कैट uh, के वाइल्ड कैट के बारे में जानते हैं इसका साइंटिफिक नेम है न्यूफेलिस नेबुलोसा ये एक ट्री क्लाइंबिंग क्लाउडेड लेपर्ड है ट्री क्लाइंबिंग यानी पेड़ पे आसानी से चढ़ जाता है न्यूफेलिस नेब्यूलोसा मीडियम साइज़ फेलिड है वाइल्ड कैट है मीडियम साइज अगर आप बाकी के लेपट से इसको कम्पेयर करेंगे जितनी भी लार्ज वाइल्ड कैट्स हैं आपकी उनसे ये साइज़ में छोटा है और आयु रेड लिस्ट में थ्रेटन स्पीशीज में इसको रखा गया है वॉलरेबल तो दिस इज़ अ वालनरेबल वाइल्ड कैट अब यूजुअली आज तक हमको ये पता है जितना रिसर्च डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि ये कम एलिवेशन पे मिलता है कम हाइट पे मिलता है जैसे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए वहाँ पे इसको देखा जाता है अब इनके बारे में एविड क्लाइंबर्स बहुत अच्छे से एकदम तेज़ी से फुर्ती से पेड़ों पर पे क्लाइंब कर देते हैं उस पर उल्टे लटक भी जाते हैं उल्टे लटक क्यों जाते हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल लेग्स हैं जिसमें रोटेटिंग रियर एंकल्स हैं और क्लॉज भी इनके बहुत शॉर्ट और पावरफुल हैं इस वजह से ये हैंग कर जाते हैं अपसाइड डाउन उल्टे लटक जाते हैं अपने लार्ज पावर्स और शार्प क्लास की क्लॉज की वजह से और ये अगर हंटिंग देखेंगे तो कहाँ पे करते हैं ग्राउंड पे ही करते हैं जैसे डियर को खाएंगे पिग का शिकार करेंगे मंकीज और फिर जो छोटे एनिमल्स हैं स्कोल्स हो गए बर्ड्स हो गए इनके लार्ज कैनाइंस जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं दांत लार्ज कैनाइंस इनको हेल्प करते हैं हंटिंग में और अभी इनका जो बिहेवियर है वाइल्ड में बहुत ज़्यादा भी इतना नोटिस नहीं किया गया है ये स्पीशीज़ आपको एशिया में मिलेगी रेन फॉरेस्ट में इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में और वहाँ से लेकर जो हिमालय के फुटहिल्स हैं वहाँ तक ये स्पीशीज़ मिलती है इनको वॉलरेबल स्पीशीज़ कहा जाता है क्योंकि इनके पॉपुलेशन साइज के बारे में हमको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसको खेफक भी बोला जाता है ग्रेश बिग कैट ओके okay, गे खेफाक बोल सकते हैं यहाँ तो जैसे भी इसका लोकल प्रोनाउंसिएशन है लोकल चेर डायलेक्ट में क्लाउडेड लेपेड ये लार्जेस्ट वाइल्ड फेलाइन उस एरिया में है जहाँ पे उन एरियाज में जहाँ पे टाइगर्स नहीं पाए जाते या कॉमन लेपर्ड्स नहीं पाए जाते रीजनली उस एरिया से टाइगर्स और ये जो लेपर्ड्स हैं रीजनली एक्सटिंक्ट हैं वहाँ पे ये पाया जाता है और कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा अब देखिए जो रिसर्चर्स हैं इनको कौन लीड कर रहा है डेली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी है डब्ल्यू पी एस आई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया ये एक डेली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अब जित जितने इस तरह के सर्वे होते हैं कैसे होते हैं कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं अलग अलग जगह पे कैमरा के इमेज को देख के हम काउंट करते हैं तो क्लाउडेड लेपिड्स को एलिवेशन थर्टी सेवन हंड्रेड मीटर एलिवेशन पे यहाँ पे देखा गया नागालैंड के थानामेर विलेज में जो ईस्टर्न नागालैंड की फैर डिस्ट्रिक्ट में आता है और फॉरेस्ट जो है ऑलमोस्ट सिक्सटी फाइव स्क्वेयर किलोमीटर का एरिया यहाँ पे नागालैंड की हाईएस्ट पीक माउंट सरामती भी आपको मिलेगी ओके माउंट सरामती के बारे में आपने सुना होगा नागालैंड की हाईएस्ट पीक है मैप uh, में दिस इज नागालैंड और इसको अगर हम जूम करें तो नागालैंड में किफैर डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे एलिवेशन पे इसको देखा गया है और माउंट थर्टी सेवन मीटर की हाइट पे देखिए और यहाँ पे हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती इसकी हाइट एलिवेशन कितना है थर्टी एट फोर्टी मीटर थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी मीटर तो लेपेड हमको थर्टी सेवन हंड्रेड मीटर पर हमने साइट किया है अभी सर्वे किस तरह से होता है कोलाबोरेटिव सर्वे था इनिशिएटिव था जो मैंने आपको सोसाइटी का नाम बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया आ, इसके बीच में इन लोगों ने मिलके और थानामेर विलेज के जो लोग हैं उन्होंने मिलके ये सर्वे कंडक्ट किया क्योंकि उस एरिया के क्यों किया रीज़न यही है कि वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए वहाँ के बायो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए तो इसमें पाँच लोग विलेज से भी थे और अराउंड पचास कैमरा ट्रैप्स विलेज कम्युनिटी फॉरेस्ट में लगाए गए जनवरी और जून 2020 के बीच में फिर लेटर जुलाई सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में पचास कैमरा ट्रैप्स का रिजल्ट है ये जहाँ पे उन्होंने इसको देखा इस क्लाउडेड लेपर्ड को मेजॉरिटी जो रिसर्च है क्लाउडेड लेपर्ड्स पे वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है स्टेट प्रोटेक्टेड एरियाज़ में लेकिन इस तरह के सर्वेज जो हैं जो कलेबोरेशन के साथ होते हैं लोकल पीपल्स के लोकल लोगों के साथ मिलकर ये सर्वे उस टाइप से किया गया और इस सर्वे में क्या पता चला कि क्लाउडेड लेपर्ड्स जो हैं यूजुअली हम इनके बारे में यही जानते हैं कि बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और लॉग्ड फॉरेस्ट में और फॉरेस्टेड हैबिटेट्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे इससे पहले जब लेपिट को देखा गया है कहाँ कहाँ देखा गया है थर्टी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्किम में थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर्स भूटान में थर्टी फोर नाइन्टी एट मीटर्स प्रोटेक्टेड एरिया नेपाल में तो ये प्रीवियस साइटिंग्स हैं जो इतने एलिवेशन से आई हैं कभी वाइल्ड कैट की अब नया एविडेंस ये दिखाता है कि ये जो कैट स्पीशीज़ है ये हाई ऑल्टीट्यूड हैबिटेट्स में ईस्टर्न हिमालयस में जा रही है एक्सप्लोइड कर रही है पहले इतने हैबिटेट इतनी ऊंचाई पे नहीं जाती थी लेकिन फाइनली अभी एक्सप्लोर कर रही है रीज़न कुछ भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है शिकार की खोज में भी हो सकता है तो रिसर्चर्स यही बोल रहे हैं कि एटलीस्ट दो अडल्ट और दो कब्स इन्होंने वहाँ पर स्पॉट किए हैं और भी बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पर फोटोग्राफ की गई हैं एशियाटिक ब्लैक बियर येलो थ्रोटेड मार्टिन पोटेंशियल प्रे Uh, जैसे प्रेस कौन से जैसे स्टम्प टेल मकाक हो गया आसमि मकाक हो गया इस तरह के एनिमल्स वहाँ देखे गए हैं तो जितनी भी एलिवेशन रिकॉर्ड्स हैं ये समर मंथ से हैं अब समर में देखिए ये यहाँ पे कैच है कि अगर समर गर्मी के मौसम से ये हाई एलिवेशन पे आपको मिले हैं तो यही दिखा रहे हैं कि सीजनली एक्सपेंशन कर रहे हैं ये अपनी रेंज की क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो प्रे नहीं मिल रहा हो ये इतनी हाइट पे गए हायर रिजेस पे जा रहे हैं अपने प्रे को ढूंढने के लिए और दोनों रीज़न हो सकते हैं तो दो रीज़न आप हमेशा दे सकते हैं एक तो प्रे शिकार की खोज में दूसरा क्लाइमेट है ना वार्मिंग जो हो रही है गर्म हो रहा है आपका क्लाइमेट और इसलिए ये रेंज शिफ्ट हमको देखने को मिल रही है आ, कि ये स्पीशीज ऊपर जा रहे हैं Uh, इसी तरह से हम ब्लैक लेपड इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी कि नवेगांव फॉरेस्ट महाराष्ट्र में दिखा था नॉर्मल लेपर्ड की अगर बात करें साइंटिफिक नेम पैंथरा पार्डस है स्मॉलेस्ट है लेपर्ड बिग कैट्स में अगर जनरल जीनस पैंथरा की बात करें यानी टाइगर लाइन जेग्वार लेपड स्नो लेपर्ड से कंपेयर किया जाए लेकिन ये बहुत सारे हैबिटेट्स में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है नॉक्टर्नल एनिमल है रात को एक्टिव होता है और हंटिंग भी रात को करता है छोटे छोटे हरबी वोर्स जो एनिमल्स हैं हॉक डेयर हो गया वाइल्ड बोर उस पर ये फीड करता है लेपिड का रेंज है सब सहारन अफ्रीका और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया साउथ ईस्टर्न ईस्ट एशिया इंडियन लेपिड पेंथरा पैडिस फ्यूस्का ये लेपड इंडियन सब में आपको मोस्टली हर जगह मिलेगा अब एक रिसेंट रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ लेपर्स इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट ने रिलीज किया था 60 परसेंट इंक्रीज़ पॉपुलेशन काउंट में लेपर्स की हमको 2014 से अगर हम कंपेयर करें तो इंक्रीज़ ही इनकी पॉपुलेशन में हमको मिला था और नियरली एट है और 2014 में इनका पॉपुलेशन एट था जो कि इंक्रीज़ हो, हो गया ट्वेल्व हो गया टू थाउजेंड के रिपोर्ट के हिसाब से और थ्रेट्स क्या है पोचिंग इनकी स्किन के लिए बॉडी पार्ट्स के लिए इनको मारा जाता है हैबिटेट लॉस फ्रैगमेंटेशन ह्यूमन के साथ कन्फ्लिक्ट तो ये सब थ्रेट्स हैं यूजली आपने एक वर्ड सुना होगा पैंथर वर्सेस लेपर्ड तो पैंथर क्या होता है पैंथर कोई अलग से स्पीशीज़ नहीं है कोई भी डार्क कलर जागोर या लेपर्ड होगा उसको पैंथर कहते हैं ऑल दो लेपेड इज अर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्पीशीज ये पैंथर वैसे लेपर्ड से बड़े होते हैं साइज में लार्जर इन साइज क्वेश्चन आपके लिए बिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नोन एज अ घोस्ट ऑफ़ द फॉरेस्ट किसको घोस्ट कहा जाता है फॉरेस्ट का एशियाटिक लाइन बेंगॉल टाइगर मेलानिस्टिक लेपर्ड मेलानिस्टिक फॉक्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आंसर जानने के लिए पोल में बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल है थैंक यू सो मच